हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शर्मा का टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गाइस बात करेंगे हम मारुति सुजुकी इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे गाइस मारुति सुजुकी में क्या रहने वाला है, क्या स्ट्रेटजी, आपको सब बताना है। और गाइस एक चीज आप देख के शॉक होने वाले हो आज, बट वीडियो पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, रिजल्ट के साथ सब कुछ बताऊंगा। यहाँ देख सकते हो, ये हमने पहले से शेयर कर दिया है न्यूज चैनल जो हमारा है SMT का शेयर मार्केट न्यूज, यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट मारुति के गाइस टाइम देख लो 2:28 पे, ठीक है। और इसको आप सर्च करने जाते BSE पे तो गाइस BSE पे भी अपलोड नहीं हुआ था 2:31 तक। यहाँ पे देख सकते हो आप 2:31 तक, मतलब 3 मिनट बाद भी आपको BSE पे यहाँ ये डेटा अपलोड नहीं मिलता। तो हमारी फास्ट मूवमेंट आप देख लो, ये आपको देखने को मिला है करीब 9 मिनट बाद 2:39 पे यहाँ देखने को मिला है BSE का रिजल्ट। तो कितनी फास्ट यहाँ पे हमारे न्यूज चैनल की सर्विस है, आप ये देख लो। और आपको क्वार्टर की अर्निंग, इंपॉर्टेंट रिफाइन न्यूज, सब कुछ देखने को मिलता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे देखने को मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए सीधे देख लेते हैं हम रिजल्ट, उसके बाद करेंगे हम बाकी डिटेल्स भरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट और सारी बातें। तो आ गए हम यहाँ पे रिजल्ट पे, ठीक है, मारुति सुजुकी के। यहाँ पे गाइस ये इसका स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट है, कॉन्सलेटेड रिजल्ट भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जो वैल्यू है देख सकते हो वो है मिलियन में, आपको मैंने सिखा रखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर से बता दूंगा। वैल्यू यहाँ पे करोड़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रो आपका Q1 है, ये रो Q4 पिछला क्वार्टर QOQ, और ये है सेम क्वार्टर पिछले साल का। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं YOY, इसको QOQ यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे गाइस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सारा कुछ मिला जुला के हम देखेंगे, टोटल इनकम जो भी ओवरऑल इनकम ये जनरेट करते हैं। यहाँ पे गाइस 26,588 करोड़ इन्होंने इस बार कमाया है, और गाइस पिछले क्वार्टर की बात करें तो 27,214 करोड़ कमाया था। तो 27,214 से यहाँ पे 26,588, मतलब हमें QOQ जो है वो गिरावट देने को मिल रही है। कंपैरिजन करें सेम क्वार्टर पिछले साल से तो गाइस 18,278 करोड़ कमाया था, तो यहाँ पे हमें YOY जम देने को मिल रही है, QOQ हमें गिरता हुआ दिख रहा है। बात करें हम एक्सपेंसिस की, तो गाइस यहाँ पे जो एक्सपेंसिस है वो आप ओवरऑल देख सकते हो, टोटल एक्सपेंसिस यहाँ पे गाइस 25,266 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर देखे तो 25,016 करोड़ देने को मिल रहा था। तो गाइस 25,266 करोड़ यहाँ पे देने को मिल रहा है, मतलब ज्यादा ही है। यहाँ पे रिवेन्यू जो है, जो इनकम है वो कम बनाया है, लेकिन एक्सपेंस ज्यादा किया है, तो इसका सीधे-सीधे असर आपको प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस पिछले क्वार्टर सेम ईयर में कंपैरिजन करें तो 17,715 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यहाँ बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको 1,012 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें 1,838 यानी कि 1,838 करोड़ देने को मिल रहा है, काफी बुरी हालत है यहाँ पे। क्यों बात करें सेम क्वार्टर पिछले साल, तो गाइस यहां पे हमें 480 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो गाइस YOY जंप है और QOQ हमें गिरता हुआ दिखा है। यहां पे मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था ये भी आपको बताऊंगा। बात करें इसके EPS की, तो गाइस EPS आपको QOQ देखो आधा होता हुआ दिखा है, 60 से सीधे 33, और यहां पे YOY जंप देखने को मिला है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी इसने फुलफिल नहीं किया है, बीट नहीं किया है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको दिखा दूं, यहां पे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 1500 करोड़ लगभग, CNBC का था 1540 और कई सारे लोग का था 1580 1480 1500 1520 30 करोड़ का, और यहाँ 1,012 करोड़ ही सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पे गाइस सीधे सीधे आपको दिखा दूं, शेयर मार्केट न्यूज बाई SMT के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। और नंबर 1 पे जो लिंक मिलेगा वो तो आप बिल्कुल भी गलती से भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने आज के दिन ही 3 कॉल दी गई थी, बंपर सब में पैसा बना है, और 1 कॉल रिपीट में दी गई थी, 4 कॉल दी गई थी। यहाँ देख सकते हो ये बजाज ऑटो ही कॉल थी, उसके बाद गाइस यहाँ पे बजाज ऑटो में भी शानदार मूवमेंट देखने को मिला है। ये देखो आप बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे ओवरऑल गाइस करीब 5,000 से 20,000 एक लॉट दो लॉट में आप आराम से बना लेते हैं, मतलब 1,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक सिर्फ आप 1 या 2 लॉट में आसानी से बना सकते थे 100% की एक्यूरेसी के साथ। और कई मेंबर्स ने बनाया है, मैं मेंबर से स्क्रीनशॉट तो नहीं मांगता हूं, लेकिन कुछ लोगों का मैसेज आ जाता है सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, मेरा इतना लॉस था मैंने रिकवर कर लिया। तो गाइस इसका लिंक नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करना अगर जो आप लॉस में हो, अगर जो आपको प्रॉफिट बनाना है, डेली अर्न करना है, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म कॉल्स, पोजिशन कॉल, स्टॉक के सजेशंस और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको भी बीट नहीं किया है मारुति ने, और QOQ भी गिरावट देने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीयर अप करता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा अगर जो तो जो YOY रिजल्ट है वो 100% से ज्यादा का जंप है, मतलब YOY जो जंप है वो बहुत ही शानदार देने को मिल रहा है। जो यहाँ पे सेल्स है इसकी, सेल्स में भी जंप होता हुआ दिखा है, बहुत ही शानदार देखने को मिला है। तो यहाँ देख लो आप जो सेल्स है वो कितना बढ़ता हुआ हमें दिखा है, यहाँ पे सेल्स का जो वॉल्यूम है 3,53,614 से 4,67,931। यही चीज मैंने बोला कि मार्केट इसको पॉजिटिव देखेगा, क्योंकि देखो उधर साइड YOY तो जंप है
है ये, मार्केट एस्टिमेशन को बीट नहीं किया है, लेकिन सेल का डेटा जंप हुआ है। आप देखो अभी जस्ट ब्रीजा मेरे ख्याल से लॉन्च हुई है, इसकी काफ़ी ज़्यादा बिकी है। ऊपर से यहाँ पे बैलेनो भी नई लॉन्च हुई थी 2-3 महीने पहले, काफ़ी ज़्यादा सेल ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे सेल अगर जो होगी, कंपनी मार्जिन बनाएगी अच्छा, इनका जो मार्जिन है वो भी बढ़ता दिया क्योंकि इन्होंने बढ़ाया है अपना प्राइस हाइक किया है। YoY जो जंप है वो हमें शानदार देखने को मिल रही है, मतलब 100% से ज़्यादा की, और यहाँ पे सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसलिए 80% मुझे लगता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा। अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार को हो सकता है कि थोड़ी सी प्रेशर में आता हो, देखिए, लेकिन 80% अब भी मैं पॉजिटिव, 80% यहां पे मार्केट इसमें हाइक देखेगा, पाइंग भी चलेगी और कल के दिन भी इसमें अच्छा खासा आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। यहां पे ये रिजल्ट को चेयर अप किया जाएगा क्योंकि मार्केट जो एक्सपेक्टेशन थी वो बीट ना करना पनिशमेंट देने जैसा होता है, मार्केट पनिशमेंट देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और यही पॉजिटिविटी ढूंढ के आप हमेशा प्रॉफिट बना सकते हो। आप जितने भी क्वार्टर के रिजल्ट देखते हो, अट्टा पार का रिजल्ट आया था, सबने बोला था गिरेगा, सबने बोला था ये बहुत पॉजिटिव है, YoY QoQ जंप है, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि नेगेटिव क्या है। आप हमारे रिजल्ट की वीडियोज देखा करो, आपको हमेशा शानदार और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा आप कर पाओगे। तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, कुछ पूछना आप पूछ लेना, इसमें बुलिश हूँ मैं। इसका जो हाई है 9050 का है, आप चाहो तो 8500 के नीचे इसको बाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग का ले लो, ठीक है। शॉर्ट में पैसा नहीं बनने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पे इसमें कम से कम आपको 6-8 महीने का सोच के लेना चाहिए, क्योंकि 9050 का हाई है और हाई के जस्ट पास ही यहाँ 8586 देखने को मिल रहा है और एक रेंज में ही काम करता हुआ दिख रहा है। तो या तो ये 9000 पार करे तब देखा जाएगा, या तो आप 8400-8500 भी ले लो 6-8 महीने के लिए। आपके पास शेयर अगर जो पड़ा है, कितनी क्वांटिटी है, कितने प्राइस पे, मुझे बता देना, मैं सजेशन कमेंट में दे दूंगा। कुछ और पूछना मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, करते वीडियो। थैंक यू वॉचिंग।